पैर को उठा के ऐसे रखने का है, और ऐसे रखने के बाद भाई इस पैर को जो है ऐसे रखने का है, ऐसे थोड़ा तिरछा के रखने का है भाई। तो भाई सबसे पहले लाठी लेके खड़े होने का है, नहीं तो आप बोलोगे कि भैया ने बताया नहीं कि लाठी लेके खड़े होने का। भाई ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस लेने के बाद क्या है, तो भाई YouTube का नाम पूछ रहे हैं भाई, जी आर राइडर। चलो बट कुछ नहीं, चलो ठीक है भाई, करने का ओ भाई ये क्या है। आप लोगों को मैं स्केटिंग चलाना सिखाऊंगा भाई, तो जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप लोगों को फॉलो करना है। तो YouTube चैनल जी आर राइडर, तो भाई कैसी हूँ, मेरी YouTube फैमिली से बढ़िया होंगी तो बढ़िया रहना चाहिए। एक बार फिर से आ चुका है तुम्हारा भाई न्यू स्केटिंग धमाकेदार ब्लॉग में। तो भाई मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्केटिंग कैसे चलाया जाता है भाई, तो वीडियो में बने रहने का फुल ज़्यादा मजा आएगा। आप लोगों को मैं स्केटिंग चलाना सिखाऊंगा भाई, तो जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप लोगों को फॉलो करना है। तो भाई वीडियो में बने रहने का फुल ज़्यादा मजा आएगा, उससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो भाई। चलते स्केट की ओर, और आप लोगों को सिखाऊंगा भाई स्केटिंग सूट कैसे सिखाया जाता है भाई, तो वीडियो में बने रहे। तो भाई सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्केट को पहनना है, वो तो आप भी पहनोगे ही, जब सीखोगे तो भाई पहनोगे तो सही। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा स्केट पहन। तो भाई वीडियो को कर लिया स्टार्ट, और सबसे पहले भाई अपने को ऐसे खड़े होने का, ऐसे खड़े होने में क्या रहेगा भाई कि अपने को बैलेंस मिल जाएगा, और बैलेंस मिलने पे भाई आप पूरे स्केटिंग सूट सीख जाओगे। तो आप लोगों को पूरा बताता हूँ भाई कैसे स्केटिंग चलाना है कैसे नहीं चलाना है, तो वीडियो में बने रहने का। भाई ऐसे खड़े होके सबसे पहले भाई इस पैर को उठा के ऐसे रखने का है, और ऐसे रखने के बाद भाई इस पैर को जो है ऐसे रखने का है, ऐसे थोड़ा तिरछा के रखने का है भाई। और तिरछा के रखने से क्या कि अपने को बैलेंस मिलेगा, ऐसे भाई रखते ही जाना है। ओ भाई यार ऐसे ऐसे धीरे धीरे पहले अपने घर में प्रैक्टिस करने का भाई, देखो ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने का भाई। सबसे पहले भाई अपने को बैलेंस लेने का है, बैलेंस लेने के ऊपर रहता है भाई, पहले एक दो दिन भाई ऐसे ही करने का है। तो भाई सबसे पहले लाठी लेके खड़े होने का है, नहीं तो आप बोलोगे कि भैया ने बताया नहीं कि लाठी लेके खड़े होने का, तो लाठी लेके खड़े होने एक दो दिन तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहने का है भाई, जैसे मैं कर रहा हूँ। और अभी तुम्हारे भाई को तो चलाना आता है, ऐसे स्पीड में रखने का है भाई जैसे कि मैं रख रहा हूँ भाई, अपने को भी धीरे धीरे रखने का है बट, और तेज रखोगे तो भाई तो गिर जाओगे आप। तो ऐसे ही बैलेंस सुधारते चलने का है भाई अपने को, और ऐसे ही धीरे धीरे चलने का है भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस लेने का है, और बैलेंस सुधार लोगे तो पूरे सीख जाओगे भाई आप। भाई ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस लेने के बाद क्या है, जी आर राइडर। तो भाई यूट्यूब का नाम पूछ रहे हैं भाई, जी आर राइडर। चलो बट कुछ नहीं, फॉलो करेंगे ठीक है, ठीक है। हमारा भी यूट्यूब में चैनल है जी, जो साइट है ऑफिशियल। चलो ठीक है भाई, करने का ठीक है। तो भाई भैया से मिलके तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया भाई, और अपने को ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहने का भाई, धीरे 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 करने का है, ना कि तेज करो भाई आप। और जब एक दो दिन प्रैक्टिस ले लो भाई, तो थोड़ा स्पीड में बढ़ाने का है, थोड़ा सा मामूली भाई, और ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते भाई, और बढ़ाते ही जाने का है डेली, अपने को थोड़ा स्पीड बढ़ा के प्रैक्टिस करने का है भाई। और धीरे धीरे प्रैक्टिस लेने के बाद जब आप पूरे सीख जाओगे भाई, पूरा आ जाएगा अपने को। जैसे कि भाई अभी मैं चला रहा हूँ भाई, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस लोगे तो पूरा हो जाएगा भाई। इस पैर को जो है ऐसे लेने का है, ऐसे से मेन बात क्या है भाई कि अपने को बॉडी शेप करने का है, इतना बॉडी रहना चाहिए, देख रहे हो भाई इतना बॉडी रहना चाहिए जबकि स्केट चलेंगे अपने पास। अभी जैसे कि मैं चला रहा हूँ भाई, जब सीखना हो तो इतना ही बॉडी करना पड़ेगा अपने को भाई, इतना ही बॉडी रहेगा। क्या कि मेरे पास सेल्फी स्टिक है, इसके कारण से वीडियो सही नहीं बन रहा है। इतना बॉडी लेने के बाद ही भाई आप सीख पाओगे, पहले तो बॉडी लेने का इतना। और भाई जब एक दो दिन प्रैक्टिस ले लो भाई, तो लेने का स्केटिंग सूट जैसे कि मैंने किया भाई। ओ भाई ये क्या है, रिएक्शन चेक करो। अरे भाई हम स्केट सिखाने के लिए आए, पब्लिक को तुम्हारा रिएक्शन लेने के लिए नहीं आए। तो ऐसे भाई करते जाने का है, प्रैक्टिस लेने के बाद भाई थोड़ा एक दो दिन प्रैक्टिस लेने का भाई लगातार। और सबसे मेन बात क्या है भाई कि
स्केटिंग का ये जो तला है भाई, इस पे नीचे दबाव डालने का है। दबाव डालने से क्या रहेगा कि स्केटिंग आगे की ओर भागेंगे तेज। तो अभी तुम्हारा भाई भी भगाता है स्केटिंग शूज से, और वीडियो में खेलने का फुल्ली ज्यादा मजा आएगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कमेंट करके बताने का आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देने का, चैनल को सब्सक्राइब कर देने का, और जैसे जैसे मैंने ट्रिप बताया भाई वैसे वैसे फॉलो करने का भाई, पूरे सीख जाऊंगे। पहले क्या है कि अपने को बॉडी का बैलेंस सुधारने का है, बॉडी का बैलेंस सुधारने के बाद धीरे धीरे स्केटिंग जैसे मैंने बताया भाई वैसे करते जाने का है, पूरे सीख जाऊंगे भाई। तो आई होप कि भाई वीडियो मजा आया होगा। मिलता हूं हाइपर स्केटिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।